not on Collins. I be हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले टाटा सफारी का XT वेरिएंट, जो कि रहेगा इसका एक मिड वेरिएंट। अब फ्रंट साइड से स्टार्ट करें तो इस मॉडल के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि LED DRLs, फ्रंट क्रोम ग्रिल जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। एंड अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो इस मॉडल के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको नीचे इसके अंदर फॉग लैम्प्स भी आ जाते हैं। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट्स भी मिल जाती हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो काफी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लगती है, जो कि आपको सेम हैरियर में भी मिल जाती है। साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है एंड 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, जो कि ग्रे कलर के अंदर आएंगे। ORVMs की बात करें तो वो आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहेंगे। इसी के साथ आपको क्रोम वर्क भी मिल जाता है इसके डोर हैंडल्स या फिर विंडो फ्रेम के पास। रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं एंड एक नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। इसी के साथ इस मॉडल के अंदर आपको कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट जैसे फैंसी फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब रियर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर एंड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। अब नीचे से बात करें तो इसके अंदर आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर्स एंड सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 73 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप लास्ट रो को 50:50 रेशियो में स्प्लिट कर देते हैं तो आपका बूट स्पेस और इंक्रीज हो जाता है। अब अगर टाटा सफारी के वेरियंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी सारे वेरियंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि XE, XM, XT, XT प्लस, XZ, XZ प्लस एंड डार्क एडिशन। जो आप देख रहे हैं ये है इसका XT वेरिएंट। अब कलर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट कलर आपने देख ही लिया था, रॉयल ब्लू। ये है इसका सेकंड कलर, जो कि रहेगा ऑर्कस वाइट कलर। अब इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 170 PS की पावर निकालता है एंड 350 Nm का टॉर्क। ये आपका 6-speed मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है। अब ये आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर, जो कि रहेगा डेटोना ग्रे कलर। अब नेक्स्ट कलर की बात करें तो ये रहेगा इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग, ABS प्लस CVT, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, TPMS एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाती हैं। एंड अगर आप XT वेरिएंट के ऊपर 95,000 और पे करते हैं तो उस वेरिएंट का नाम हो जाएगा XT प्लस वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। एंड खाली इस वाले फीचर से आपका इंटीरियर काफी ज्यादा लग्जीरियस फील होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, हम देखते हैं आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं XT वेरिएंट के अंदर। ड्राइवर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs की कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ उसी के नीचे आपको एक बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है। सेंटर से बात करें तो इसके अंदर आपको 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ एंड काफी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड एक 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स भी मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आपको फ्रंट आर्मरेस्ट एंड 2 कप होल्डर्स भी मिल जाती हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स एंड साउंड मोड लाइटिंग जैसे फीचर्स आ जाते हैं। रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स एंड 2 कैबिन लैंप्स भी मिल जाते हैं। अब रियर से बात करें तो सेकेंड रो के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलता। एंड अगर आप इसके XT प्लस वेरिएंट लेते हैं तो इसके अंदर आपको एक काफी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि इसके कैबिन को काफी ज्यादा एरी बना देती है। अब रियर AC वेंट्स की बात करें तो वो आपके बी पिलर पे प्लेस रहेंगे। एंड अगर रियर डोर की बात करें तो इसके अंदर आपको पावर विंडो के कंट्रोल एंड एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको ग्रैब हैंडल एंड कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। ओवरऑल इसकी सेकेंड रो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है एंड इजिली आप इसके अंदर लॉन्ग जर्नीस कर सकते हैं। ये वाली रो आप 60:40 रेशियो में स्प्लिट करके लास्ट रो में एंट्री ले सकते हैं। लास्ट रो से कुछ ऐसा आता है व्यू। एंड अगर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको रियर AC वेंट एंड 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर इसकी लास्ट रो की बात करें तो ये चिल्ड्रन के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप इसको 5 सीटर यूज करेंगे तो लास्ट रो को आप 50:50 रेशियो में स्प्लिट करके अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट रो में भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड अगर सनरूफ की बात करें तो ये आपका इजीली सेकेंड रो तक आ जाता है एंड काफी ज्यादा एरी फील भी ले आता है इंटीरियर के अंदर। अब ऑन रोड प्राइसेस की बात करें तो XT वेरिएंट आपको 21,26,000 का ऑन रोड पड़ता है
एंड अगर XT प्लस की बात करें तो वो आपको 22,19,000 का ऑन रोड पड़ता है। इसके XT प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि 23,90,000 का ऑन रोड पड़ता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।